हेलो हेलो हेलो, ओके आई थिंक अब क्लियर हो गया शायद। ओके नाउ वॉइस कमिंग। चलिए बताए फटाफट। देखिए आपके सामने ही सारी टेक्निकल प्रॉब्लम, आपके सामने ही माइक सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नया माइक है, लेकिन क्यों ये माइक सेट नहीं हो पा रहा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे हो सकता है मैम ऐसे ही कह रही, तो आप खुद देख सकते हैं आपके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल माइक फिट करके बैठी थी, उसके बीच में आवाज़ चली गई। ओके तो पहले बताइए फटाफट, आप ठीक है क्लास शुरू की जाए? पहले बताइए आप ठीक है क्लास शुरू की जाए? जल्दी से कॉन्फर्मेशन दीजिए जल्दी से। आज मेरा बर्थडे का बिल्कुल गिफ्ट इतना ज़बरदस्त हो गया। ओके बताए भाई। बिल्कुल मनोज शर्मा, रचना, वीरेंद्र यादव। अब आपकी यहाँ पर मैंने आपको बताया था आज 100 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब 100 क्वेश्चन की सीरीज़ करनी थी, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता, लेकिन अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। लेकिन कोशिश मैं यही करूँगी कि आपके सारे के सारे मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करा पाऊँ, ठीक है? बस आप लोग को भी मेरे साथ इसी तरीके से बैठे रहना है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा सफ़र कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी सफ़र करिए। आप भी तो स्टूडेंट है, इसी फैमिली का ही तो पार्ट है, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको हमेशा साथ देना चाहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। 2-3 क्वेश्चन हालांकि हो चुके थे, लेकिन जाहिर सी बात है अब इस क्लास में पूरे ही क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका, किसने 3 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कुदाल बनाई थी? ठीक है, कुदाल आपकी जो फिल्म है वो किसने बनाई थी? तो आपको पता है तैयब मेहता, मैंने आपको बताया, जिनके लिए उनको क्या 1970 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है? तैयब मेहता का जन्म मैंने आपको बताया था 1925 में बताया था, कहीं कहीं पर 1926 भी लिखा मिलता है। कहाँ हुआ है? तो आपको पता है गुजरात में हुआ था, ठीक है? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये क्या है, एक अंग्रेज चित्रकार थे, उनसे क्या है प्रभावित थे, उस अंग्रेज चित्रकार का नाम क्या है? फ्रांसिस बेकन अंग्रेज चित्रकार का नाम है, ठीक है? ये आपको इतनी चीज़ मैंने बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली है, तो जे स्कूल ऑफ मुंबई से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इनकी एक काली जो पेंटिंग है, इसके अलावा जो सेलिब्रेशन है, महिषासुर है, रिक्शा खींचने वाला है, तो ये जो पेंटिंग, ये जो इनकी कलाकृति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग, क्योंकि इन पेंटिंग्स के बारे में अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इस वजह से आपको तैयब मेहता की इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के 7 अजूबों में शामिल माचू पिच्चू आपका कहाँ पड़ता है? तो माचू पिच्चू मैंने आपको बताया था कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है पेरू में पड़ता है। पेरू कहाँ पड़ता है? तो आपका ये पड़ जाएगा साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट? इसको क्या है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया था। मैंने आपको बताया कब शामिल किया था, तो 1987 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। समझ में बात आई? तो विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। नेटवर्क चला गया, अरे भाई अब कुछ ना जाना। रितु पॉल, नेटवर्क चला गया, अरे भाई अब कुछ ना जाना, दुआ करते रहो क्लास ये आपकी कंप्लीट हो जाए। 100 क्वेश्चन में मुझे कराने थे, लगभग इस 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे यहाँ पर लगने वाले थे, लेकिन यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है। इन केस अगर आपकी पूरी क्लास नहीं हो पाई, देखिए वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँ पूरी क्लास, इन केस नहीं हो पाई तो मैं आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर आज करा दूंगी, कल की क्लास में 50 क्वेश्चन करा दूँगी, क्योंकि मैं खुद बहुत थक गई हूँ इसको सेटिंग को करते करते बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, ठीक है? तो फिलहाल 50 क्वेश्चन तो हम लोग आज करके ही जाएंगे। वैसे तो मुझे आज पूरे क्वेश्चन कराने का बहुत ज़बरदस्त मूड था, काफ़ी दिनों बाद मैं आई थी इस वजह से। ओके तो मैंने आपको बताया विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया, तो 1987 है, आप याद रखें कितना है 1987, ठीक है? 1987 है, 18 मत समझ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं चित्रकार आपके पूरे कराऊंगी, ठीक है? फिर ये आपको मैंने बता दें दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, इसका टिक मैंने किया था, बिल्कुल यहाँ पर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बैंगनी रंग किसका प्रतीक है? तो बैंगनी रंग जो प्रतीक है किसका है, देश प्रेम का प्रतीक है। फटाफट आंसर करेंगे, जहाँ पर रुकने वाला नहीं, फटाफट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है आर टूडे गैलरी कहाँ है? आर टूडे जो गैलरी है वो आपका कहाँ पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, फटाफट करेंगे। आर टूडे गैलरी आपका कहाँ पड़ता है, कहाँ है, ठीक है? तो ये आपकी है बिल्कुल,
आपको याद रखना, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है मैम, मुगल पहाड़ी राजस्थानी चित्रकला की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दीजिए प्लीज। तो आई थिंक मैंने आपकी जो 100 क्वेश्चन की सीरीज थी, जो पहाड़ी चित्रकला और आपकी पहाड़ी चित्रकला, इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला, जो 100 क्वेश्चन की सीरीज है मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है। जो आपका डिटेल्ड टॉपिक था यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्लास जो थी उसकी मैंने आपको पीडीएफ नहीं दी थी, उसका कुछ रीज़न था, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको नहीं दी थी कि काफ़ी यहाँ पर जो बहुत से ऐसे जो है यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे पीडीएफ को यहाँ पर थोड़ा सा अपने से करके अपने चैनल पर चला रहे थे, इसी वजह से मैंने उसको हटाया था। ओके, नेक्स्ट टाइम आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी सारी पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी। ओके चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट, चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे। अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में किस वर्ष हुई थी? अमृता शेरगिल आपको पता है कहाँ की है, इनकी मृत्यु आपकी कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। अब लाहौर में इनकी मृत्यु कब हुई थी ये आपको पता है, किस वर्ष पूछा गया है, तो लाहौर में जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो कब हुई थी तो 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। सबसे पहले आपको जन्म याद रखना, अमृता शेरगिल जो है कहाँ की थी? बुडापेस्ट हंगरी की थी, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी की थी। भारत में आती है तो भारत में आती है, जनता वगैरह का यदि भ्रमण करती है तो बहुत ज़्यादा इनसे क्या है प्रभावित होती है, यानी कि इंडियन आर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से ये क्या है यहीं पर रुक जाती है, स्टूडियो वगैरह भी इन्होंने खोला था। तो इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी सन आपको याद रखना है 1913 को, ठीक है, तो बहुत ही अल्प आयु में ही क्या है इनका निधन हो गया। जब ये जिंदा थी, ठीक है, जब ये अपने जीवन काल में थी, जब ये जिंदा थी तब इनको लोगों ने इतने अच्छे से नहीं पहचाना, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इनको क्या है लोगों ने ज़्यादा, मतलब आपने देखा होगा जब कोई इंसान जिंदा होता तब तो उसकी अच्छाई किसी को नहीं दिखती है, और जैसे ही वो एक्सपायर हो जाता है उसकी अच्छाई लोगों को दिखने लगती है। तो यही इनके साथ भी हुआ, तो 1913 में क्या है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था, समझ में आता है। तो 1924 में ये भारत आई थी, ठीक है, 1924 में याद रखेंगे, 1924 में, ठीक है, 1924 में यहाँ पर भारत आई थी, और 1929 में, सुनिए यहाँ पर सुनते रहिएगा सारी चीज़ें यहाँ पर देखते रहिएगा, 1929, ठीक है, 1929 में ये फिर से क्या है वापस चली गई, ठीक है, तो फिर से ये क्या है वापस चली गई, ठीक है, ठीक है, आई कब थी? तो आई आपकी थी 1924 में, ठीक है, आई आपकी कब थी? ये 1924 में आई थी। फिर इसके बाद फिर क्या 1934 में फिर से भारत आई, ठीक है, तो 1924 में पहले आई, 1929 में चली गई, और फिर से 1934 में क्या है फिर से ये भारत में आई थी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, इज इट क्लियर नॉट? पहले बताइए इतनी चीज़ आपको समझ में आई। 1913 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ की है? बुडापेस्ट हंगरी की। इनकी माता हंगेरियन थी और पिता जो है इंडियन थे, ठीक है, माता हंगेरियन थी और पिता क्या है ये भारत के ही थे। 1924 में फर्स्ट टाइम भारत में आती है, 1929 में फिर चली जाती है, और 1934 में फिर से ये क्या है 1934 में फिर से क्या है भारत में आती है। विवाह की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था 1938 में इनका विवाह हुआ था, 1938 में क्या है इनका विवाह हुआ था, और विवाह के 3 साल के बाद यानी कि 1941 में ही इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है, ठीक है, विवाह के 3 साल के बाद ही इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। तो इतना इनके अल्प आयु थी, आप जोड़ सकते हैं कितने कम टाइम में ये रही और कितने कम टाइम में इन्होंने अपना नाम यहाँ पर बना के रखा, जिससे कि आज भी हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को भी अपना नाम बनाना है, ठीक है, यानी कि मरने के बाद भी हम लोग को अच्छे वे में याद किया जाए, ना कि खराब वे में, ठीक है। ऐसा नहीं फेमस होने का मतलब ये नहीं किसी तरीके से फेमस हो जाओ। ओके, हाँ बिल्कुल, कहा जाता है इनकी कजिन से इनकी मैरिज हुई थी, मयंक शुक्ला, ये बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ? कौन सी ऐसी विधि है जिसमें क्या प्रागैतिहासिक जो गुफा चित्र है उसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, पूछा गया नहीं हुआ, सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है वॉश यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। वॉश पद्धति की जो शुरुआत हुई थी भारत में किसने की थी, बताएंगे फटाफट। वॉश पद्धति की जो शुरुआत है भारत में किसने की थी, फटाफट आंसर बताएंगे, आप ही लोग आंसर देंगे। फिलहाल इसका आंसर मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ए यहाँ पर टिक करती हूँ, ठीक है। बात हो रही है प्रागैतिहासिक काल की, बात हो रही है, तो प्रागैतिहासिक काल को क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, एक तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, सुनिए जाए, देखिए आराम से क्लास देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया है, डिले हो गए, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं बनता है कि हम लोग आराम जल्दी जल्दी चीज़ें करके और चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो टाइम अपना ना देख के आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको चीज़ें समझाई जा रही है, ठीक है। तो एक मिनट, चल नहीं रहा, ठीक है, पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण काल, फिर आपका कौन सा आएगा मध्य पाषाण काल,
ठीक है, फिर आपको कौन सा रह जाएगा, नौ पाषाण का। अब इनका आपका टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो पूरा पाषाण, एक मिनट इसको मैं हटा देती हूँ पहले, सुनिए, पूरा पाषाण का पूरा, ठीक है, मध्य और आपको नौ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा पाषाण काल जो टाइम है वो आपका शुरू होता है 50,000 से लेकर के आपका होगा 25,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि बीसी की बात हो रही है, ठीक है, आप ईसवी में समझ लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका ईसा पूर्व, एक मिनट, बीसी, ठीक है, 50,000 से लेकर 25,000 तक इसका टाइम रहता है। मध्य पाषाण काल का टाइम क्या हो जाएगा, 25,000 से लेकर के आपका रहेगा 10,000 तक के, ठीक है, 10,000 तक के आपका टाइम पीरियड रहेगा। नौ पाषाण काल का टाइम जो है वो आपका 10,000 से लेकर के 3,000 तक आपका टाइम रहेगा, और जितना भी ये टाइम है वो आपकी बात हो रही बीसी की बात हो रही, यानी कि आपकी बात हो रही बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आपकी ईसा पूर्व की बात हो रही है। इज इट क्लियर नॉट, ये जो आपका मैंने टाइम पीरियड बताया है वो आपका अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा मिल जाता है, वेरी करता है, लेकिन आपको अप्रॉक्स आपको इतना ही याद रखना है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे यहाँ पर वॉश का पूछा था, किसी ने आंसर नहीं किया, आई थिंक, देखती हूँ मैं, किसी ने आंसर किया, थैंक यू सो मच हेमंत सेन, थैंक यू सो मच, ओके, पहले इतनी चीज, हाँ मैंने आपको आंसर किया था, वॉश पद्धति की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई, कितने की, कौन सा चित्रकार है, ये वाला भी आप नहीं याद रखेंगे, तैल तो आपको पता ही है कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा, वॉश का मुझे फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आप लोग ही मुझे देंगे, मैं आपके क्वेश्चन आंसर का इंतजार कर रही हूँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए, ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु, ठीक है, ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में, यानी कि ऋतु चित्रण करने में सहायता मिली थी, तो कौन सा ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा ऐसा यहाँ पर चित्रकार है जिसको ऋतु चित्रण में इसको सहायता मिली थी, फटाफट आंसर करें, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, तो जॉर्जियन हो जाएगा, टर्नर हो जाएगा, जॉन कांस्टेबल हो जाएगा, या देलाक्रा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अनन्या जी का आंसर आया है, और अक्षा सिद्दीकी हैं, मयंक हैं, अपनी अपनी बाबू, बिल्कुल आप लोगों ने परफेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। भारत में वॉश पद्धति की जो शुरुआत है वो क्या है, अवनीश ठाकुर ने की थी, ठीक है, जिसने भी अवनीश ठाकुर आंसर दिया फटाफट आप लोग का आंसर, बिल्कुल आपका आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, देखिए ऐसे ही आंसर आपको देना है, बिल्कुल भी, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आंसर जरूर करेंगे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बात हो रही लंदन की जलवायु से किसको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया मिला था, तो कौन यहाँ पर हो जाएंगे, किसको आइडिया मिला था, तो आपको क्या याद रखना है, जॉन कांस्टेबल को आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, जॉन कांस्टेबल को याद रखना है, जॉन कांस्टेबल जो क्या थे, वो भूदृश्य चित्रकार थे, ठीक है, भूदृश्य चित्रकार थे, कहाँ के थे तो ये आपको पता है, कहाँ के थे, इंग्लैंड के, ठीक है, कहाँ के थे तो ये आपके हो जाएंगे इंग्लैंड के, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए जो कांस्टेबल है वो कैसे चित्रकार है, तो ये आपके भूदृश्य चित्रकार है, आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तभी भी आपको क्या बताना है, जॉन कांस्टेबल को ही बताना है, यानी कि आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक, यानी कि किसने शुरुआत की थी, तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, जॉन कांस्टेबल ही यहाँ पर हो जाएंगे। भूसा गाड़ी इनका जो चित्र है बहुत फेमस चित्र है, ये कहाँ पर संग्रहित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, ठीक है, कहाँ पर ये है आपका, लंदन में, नेशनल गैलरी ऑफ जो लंदन वाला जो नेशनल गैलरी है वहां पर इनकी एक भूसा गाड़ी जो चित्र है, जो इनकी कलाकृति है वो ये क्या है आपकी फेमस है, बिल्कुल आर्यन राव यहाँ पर, निशा सिंह है, ममता है, आप सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर दिया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं, ठीक है, तो कला के कितने रूप हैं फटाफट बताएंगे, तो प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं, तो रूप आपके कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है पांच आपके रूप हैं, ठीक है, कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे इसका आंसर फटाफट देंगे, ओके, फटाफट आंसर करेंगे, कितने रूप हो जाएंगे, तो पांच हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा मानव हो जाएगा, ठीक है, एक आपका मानव हो जाएगा, मानव, दूसरा कौन सा हो जाएगा, आंसर करें, मानव, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, भयानक, अरे चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, भयानक, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, राक्षस, ठीक है, चौथा कुमार,
और पांचवा आपका बालक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में बात आई? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें याद रखने, पांच आपके रूप हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नौवां रस कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे। जो आपके रसों की संख्या मैंने आपको बताई है, रसों की संख्या आपकी कितनी है? नौ रस है। ठीक है, रसों की संख्या आपकी कितनी है? तो नौ आपके रसों की संख्या है। ठीक है, नौ रस आपके रसों की संख्या है। ठीक है, ओहो ये क्या हो क्या राज। ठीक है, नौ आपके रसों की संख्या है। ठीक है, भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के हिसाब से, भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है? आठ है। वैसे आपकी रसों की संख्या कितनी है? नौ है। नवा रस आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो शांति रस जो है वो आपका नवा रस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या बात है, हाँ बिल्कुल। कविता गंगवार आपका आंसर सही है, मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक, बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर राइट है। हाँ चित्रकार मैं कराऊंगी कराऊंगी कराऊंगी, यू डोंट वरी। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर शांत रस हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूर्ति से। ठीक है, आपके स्थापत्य कला आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके लास्ट टाइम 2018 वाला जो आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था स्थापत्य कला से आपके 11-12 क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, मैंने एनालाइज करके आपको बताया था किस सब्जेक्ट से, सॉरी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीजें मैंने आपको एनालाइज करके बताई थी। ठीक है, तो इस वजह से आपको स्थापत्य कला से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्थापत्य कला में मंदिर वाला आपको टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो मंदिर वाला टॉपिक फिलहाल चल रहा है, तो आधी चीजें हो चुकी, बस 2-3 टॉपिक और बाकी मंदिर में, उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। फिर उसके बाद आपकी पीडीएफ तैयार हो रही है, कम से कम कितने अप्रोक्स 150 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार हो रही है, किसकी? स्थापत्य कला की। ठीक है, तो स्थापत्य कला की आपकी पीडीएफ तैयार हो रही है। ठीक है, वो भी इसको भी करेंगे। हाँ बताएंगे, मूर्ति दीदार गंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित है? दीदार रंग की यक्षिणी, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मौर्यकालीन कला पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था जो मौर्य काल से पहले भी प्राक मौर्य काल में आपको एक यक्षिणी प्राप्त हुई थी, जो कहाँ से प्राप्त हुई थी? दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मौर्य शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है, मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला मैंने आपको बताई थी, मौर्यकालीन आई थिंक 4 पार्ट में मैंने आपको मौर्यकालीन कला पढ़ाई है। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मौर्यकालीन स्थापत्य कला अभी तक मेरे चैनल से नहीं पढ़ी है, पहले मुझे बताइए, क्योंकि आधे लोगों ने तो पढ़ी होगी मुझे पता है। कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ी है? अब ये देखिए यहाँ पर, ये आपको याद आई कि नहीं याद आई? ये आपको मूर्ति याद आई कि नहीं याद आई? बिल्कुल आपको यहाँ पर याद आई होगी। कौन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहा? ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी नहीं होगा भाई, कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या बात है, यहाँ पर क्यों गड़बड़ जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ओके, चलिए देखिए यहाँ पर दीदारगंज से, यहाँ पर दीदारगंज से जो यक्षिणी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। अब जो आपके मौर्यकालीन जो मूर्तियां हैं, जो मूर्ति शिल्प है, उसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या है, एक चमकदार पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक पॉलिश है जिसकी वजह से ये आज के टाइम में भी क्या है, शाइन कर रही है। हालांकि ये क्या है, थोड़ी सी खंडित अवस्था में है, बिल्कुल एक्यूरेट बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है? तो ये आपके बलुआ पत्थर से बनी हुई है और आदमकद है। ठीक है, याद रखें, तो मौर्यकालीन में आपको चमकदार पॉलिश वाली और क्या है, चमकदार पॉलिश आपको यहाँ पर मिल जाती है। इतनी चीज हो गई, क्लियर हो गई? अब यहाँ पर नारी की जो नारी की सुंदरता में जो यहाँ पर चीजें दिखाई गई है, तो वो सारी चीजें क्या है, इस पर आपकी क्या है, फिट बैठती है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैंने पिक्चर यहाँ पर इसलिए ली, थोड़ा सा रुकी मैं इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा बहुत ज्यादा आता है, कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया था जो दीदारगंज से जो यक्षिणी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है कहाँ से प्राप्त, मतलब यक्षिणी आपकी कहाँ से, मौर्य काल में जो यक्षिणी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दीदारगंज से प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक पॉलिश वगैरह जो मिल जाती है और क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर से ये बनी हुई है। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो यक्षिणी है, यक्षिणी नाम से ही जाहिर है, तो ये आपकी क्या कहते हैं, स्त्री वाली जो है प्रतिमा यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, इतनी चीज मैंने आपको बता दी, आई थिंक आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ओके
मयंक शुक्ला मैम, वैसे मैम आप इतना करती हैं वो भी फ्री, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप लोग अच्छे से पढ़ें और जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको रिवीजन करते रहें, ठीक है। और हाँ, ये 100% मैं कह रही हूँ कि आपको मेरी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर 100%। आपने पिछली बार क्लास में आपने देखा होगा। ओके, विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर है, विश्व का सबसे बड़ा जो नीलामी घर है वो आपका कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है कहाँ पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्रिस्टीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पड़ेगा कहाँ, तो ये आपका पड़ता है लंदन में पड़ता है, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ेगा लंदन में, आपका यहाँ पर पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई, बताएंगे आप लोग तीजन बाई, पिक्चर भी देख लीजिए यहाँ पर। प्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई को भारत का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? अब ऐसा नहीं इनको सिर्फ यही वाला पुरस्कार मिला है, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, ठीक है। भारत की ये क्या है, लोक गायिका है, ठीक है, लोक गायिका है, ठीक है। और कैसी है, तो ये पांडवानी, ये याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन इसमें बने, प्रसिद्ध पांडवानी का तीजन भाई आपकी किससे रिलेटेड है, तो पांडवानी गायिका है और इनको कई पुरस्कार मिले। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी ये कहाँ की, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इनको जो आपको देखिए, एक तो पद्मश्री, श्री पुरस्कार कब मिला, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पद्मश्री, तो यहाँ पर देखें आप सन दिए तो नहीं है, 1988 में, 1988 में इनको मिला था श्री, ठीक है, 1988 में इनको मिला था श्री, यानी कि पद्मश्री। फिर इसके बाद 2003 में इनको मिला भूषण, भूषण मिला, ठीक है, पद्म पद्म भूषण। फिर उसके बाद 2019 में, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, 2019 में, 2019 में इनको मिला था विभूषण रहेगा आई थिंक, हाँ विभूषण, ठीक। अब पूछा क्या गया है आपका, पद्म भूषण पूछा गया ना, पद्म भूषण आपका 2003 यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। तो सबसे पहले इनको मिला है 1988 में कौन सा मिला है, श्री, फिर 2003 में इनको भूषण, और 2019 में इनको क्या मिला, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है। और ये जो महिला है, ये जो आपकी गायिका है, ये कहाँ की है, ये आपकी छत्तीसगढ़ की, कहाँ की है ये आपकी, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़, ये भी आपको पूछा जा सकता है ये कहाँ की, तीजन भाई कहाँ की है, तो आपकी छत्तीसगढ़ की। इनका जन्म हुआ था 1956 में, इनका जन्म हुआ था, तो जन्म आप भले मत याद रखिए, ठीक है, जन्म आप चाहे ना याद रखें, बस इतना याद रखें पांडवानी गायिका है, छत्तीसगढ़ की है, और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन तीनों पुरस्कार से इनको क्या है, नवाजा गया है। इतनी चीज आप अगर आप याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामपुरवा बेल कैपिटल कहाँ स्थित है? तो रामपुरवा जो आपके यहाँ पर स्तंभ है उनका, हालांकि ऊपर वाला मिलता है, अब ये पिक्चर देख लीजिए, ठीक है, चलिए बताएंगे। तो मैंने ये भी आपको बता रखा है फिलहाल, ठीक है, ये स्तंभ है, शिलालेख है, सब चीजें बता रखी, तो आंसर करेंगे क्या आंसर सही होगा, तो रामपुरवा बैल कैपिटल, सॉरी बैल नहीं बुल, बैल नहीं बुल है, तो यहाँ पर देख लीजिए बुल की प्रतिमा बनी। आपने देखा होगा अशोक के स्तंभ में ऊपर किसी न किसी पशु आकृति का अंकन होता है, मतलब मूर्ति शिल्प होती है, ठीक है। तो जो रामपुरा बुल कैपिटल है वो कहाँ पर है, तो आप कहाँ पर संग्रहित है, तो आपका नई दिल्ली, यानी कि राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ये आपका संग्रहित है, ठीक है, कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ये आपका क्या है, संग्रहित है, ठीक है। पिक्चर आपके सामने है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है रामपुरवा जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, तो रामपुरवा जो आपका पड़ता है कहाँ पर है, बिहार राज्य में पड़ता है। रामपुरवा आपका कहाँ पड़ेगा, बिहार राज्य में पड़ेगा, ठीक है। और इसकी खोज जो है किसने की थी, तो आपको याद रखना इसकी खोज जो कब हुई थी, तो 1876 में इसकी क्या है, खोज हुई थी, और किसने इसकी खोज की थी, कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल, लाइल, कार्लाइल ने इसकी क्या है, खोज की थी, ठीक है। अब आपको पता है, आपको ये आंसर देना, अशोक के अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, अशोक के जो शिलालेख हैं उस पे जो लिपि लिखी हुई है उस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। किरण यादव, बिल्कुल आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिन्होंने ऑप्शन सी बताया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
पाशानामा के लेखक कौन है, फटाफट बताएंगे पाशानामा के लेखक कौन है, और ये जो है आपकी जो पांडुलिपि है ठीक है, तो ये किस काल की है, इसमें किसका जिक्र मिलता है, ये सारी चीजें आप मुझे फटाफट बताएंगे। जो पाशानामा, जो बादशाह नामा भी लिखा आता है, पाशा नामा भी लिखा आता है, दोनों ही चीजें लिखी आती हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना था फिलहाल। ओके, ये क्या है आपकी मुगल कालीन, पाशा नामा जो है, पाशा नामा जो है वो आपकी मुगल कालीन, कैसी मुगल कालीन, मुगल कालीन, मुगल कालीन कृति है ठीक है, जो किसने लिखी है, तो आपको याद रखना किसने लिखी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। इसमें क्या है 20 वर्षों का, इसमें क्या है 20 वर्षों का, 20 वर्षों का ठीक है, 20 वर्षों का इतिहास में मिलता है, किसके बीच, किस राजा के शासन का 20 वर्षों का इतिहास मिलता है, तो आप याद रखेंगे शाहजहां ठीक है, किसको याद रखेंगे शाहजहां के शासनकाल का, इसमें क्या है 20 वर्षों का इतिहास आपको यहाँ पर मिल जाता है। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके हो गया ठीक है, ओके ओके ओके। तो किसने आंसर सही दिया है, अनन्या है यहाँ पर, आर के सिंह है, नहीं आर के सिंह आपका आंसर तो गलत हो गया, आपने फिरदौसी लिखा, फिरदौसी जो है वो शाहनामा है, फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी शाहनामा ठीक है, शाहनामा, अगर आपसे पूछा जाए शाहनामा पुस्तक किसकी है, तो वो आपकी फिरदौसी की है। ओके, किरण यादव सी नहीं होगा, कौन सा होगा, एक मिनट रुकिए, चलिए क्या होगा, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था, जो बिशनदास है वो आपको बताना है किस मुगल, मुगल तो यहाँ पर, मुगल तो आपका क्वेश्चन में ही आ गया, बताना आपको है जो प्रसिद्ध ये आपका जो चित्रकार है वो किसके शासन का था, किस शासन में रहता था, किसके शासन का चित्रकार था, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था, तो ये प्रसिद्ध बिशनदास जो चित्रकार है वो किस मुगल शासक के दरबार में रहता था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये आपका जहांगीर यहाँ पर राइट हो जाएगा ठीक है, जहांगीर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ओके, अकबर भाई कौन बता रहा है, कौन अकबर बता रहा है, किसने मुगल कालीन चित्रकला की यहाँ पर PDF नहीं देखी है, मतलब क्लास नहीं देखी है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पर जहांगीर के टाइम के और कौन कौन से यहाँ पर चित्रकार हो जाएंगे, फटाफट आंसर करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन गलत करेंगे, जहांगीर कालीन चित्रकार और बताइए, आर्य अंसारी अकबर नहीं होगा भाई, अकबर नहीं है, ठीक है, जहांगीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो था ये आपका क्या है, जो बिशन दास था वो क्या है किसमें निपुण था, जो बिशन दास था वो किसमें निपुण था ठीक है, ये शबी बनाने में निपुण था, ये आपका जो बिशन दास था ये आपका क्या है शबी बनाने में निपुण था ठीक है, तो यानी कि आपको याद है शबी बनाने में ये निपुण था ठीक है, इसने क्या है एक बहुत मशहूर इंसान की छवि बनाई थी, कौन थे, तो इसने क्या है किसकी, शाह अब्बास की, शाह अब्बास की, शाह अब्बास ठीक है, शाह अब्बास की इसने क्या है, शाह अब्बास की इसने क्या है एक बार छवि बनाई थी ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा भी हुई थी। ओके ठीक है, जहांगीर ने इसको भेजा था वहां, और वहां पर इसने शाह अब्बास की क्या है छवि बनाई थी। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा था मैंने आपसे पूछा था कौन से ऐसे चित्रकार हैं जो जहांगीर के टाइम के हैं, तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका मंसूर सबसे पहले याद रखेंगे, जो आपको सबको ही याद रहेगा फिलहाल, मंसूर जो क्या है ये पक्षी चित्रकार था, यानी कि पक्षी, पशु पक्षी, पक्षियों पक्षियों का अंकन बहुत अच्छे से करता था, कौन, मंसूर, मीर मंसूर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उस्ताद मंसूर की यहाँ पर बात हो रही है ठीक है। इसके अलावा अबुल हसन किसी ने बताया है, स्नेहा आर्या ने, अबुल हसन तो ये आपका हो गया, फिर इसके बाद हो गया क्या बताएं, हाँ अबुल हसन, अबुल हसन ठीक है, इसके अलावा कौन आपके हो जाएंगे, मनोहर, मनोहर इसके अलावा, मनोहर हो जाएंगे ठीक है, इसके अलावा चौथा आपका अकारिजा ठीक है, अकारिजा ठीक
ठीक है, अकारिजा को ही नकलची चित्रकार कहते थे, नकलची। पूछा जाए नकलची चित्रकार कौन है, तो अकारिजा आपका नकलची चित्रकार हो जाएगा। मनोहर आप कैसे बना था, शिकारी चित्र, शिकारी दृश्य बनाने के लिए कौन निपुण था, तो मनोहर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नादिर ठीक है, मोहम्मद नादिर भी जो है, मोहम्मद नादिर ठीक है, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नादिर जो था वो क्या है आपका जहांगीर के टाइम का भी हो जाएगा और इसके अलावा शाहजहां के टाइम का भी हो जाएगा। तो मोहम्मद नादिर आपके जहांगीर और प्लस शाहजहां दोनों ही के टाइम का हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी के तरफ हम लोग टिक करें और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। 2014 की क्रिस्टी नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर कौन, तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर, अभी मैंने आपको बताया था तैयब मेहता की जो पेंटिंग कौन सी, महिषासुर। अब जाहिर सी बात इतनी महंगी पेंटिंग बिकी है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है। लेट्स ड्रो कलरफुल लाइफ, पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी, ये सारे टॉपिक्स की पीडीएफ डाल दीजिए प्लीज मैम, इससे हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं डाल दूंगी, ठीक है, ओके, चलिए क्लास करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका हो जाएगा 19.78 करोड़ में ये क्या है बिकी थी। याद आपको इतना जरूर याद रखना, महिषासुर जो है आपकी पेंटिंग है वो किसकी है, वो आपकी तैयब मेहता की पेंटिंग है, इतनी तो आपको चीज जरूर याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको काली बताया, इसके अलावा मैंने आपको सेलिब्रेशन बताया, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, रिक्शा खींचने वाला, और इसके अलावा कुदाल, ठीक है, कुदाल आपकी क्या है डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, फिलहाल पेंटिंग में समझ लीजिएगा, ठीक है, तो कुदाल आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो जाएगी किसकी, तैयब मेहता की। और ये किससे प्रभावित है, तो ये फ्रांसिस बैकन से ये क्या है प्रभावित है, कौन, तैयब मेहता, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फटाफट आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि आर के लक्ष्मण आपके कौन है, ठीक है, तो ये क्या है कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है, तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से किस वर्ष नवाजा था, तो इनको भी भैया पद्म भूषण मिला था, कौन कब मिला था बताएंगे आप लोग, ओके भाई आप लोग स्पैम क्यों करते हैं, मैंने आपका नाम लेके कमेंट पढ़ दिया उसके बावजूद भी आप बार बार कमेंट कर लेट्स ग्रो कलरफुल लाइफ, हाँ ये पहले बताइए, जब मैंने आपका नाम लेके आपका पूरा कमेंट मैंने आपका पढ़ दिया उसके बाद भी आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, ये क्यों करते हो भाई, इतने ज्यादा क्वेश्चन करने आप गुस्सा दिला रहे हो, क्या बात है। चलिए हाँ, बहुत स्टूडेंट कम है यहाँ पर, मुझे पता है स्टूडेंट की संख्या इसी वजह से कम है क्योंकि एक बार यहाँ पर क्लास चली गई थी फिर से आई है, तो भाई आप लोग की ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड करके चैनल में फिर से प्रकट हो गई है, गायब हो गई थी ठीक है, चली गई थी क्लास, उसके बाद फिर से आ गई हूँ, भाई आप लोग के लिए आई तो आप लोग इतना तो करा करिए ना, बोलना पड़ता है कितना खराब लगता है। चलिए बताएंगे तो 2005 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 2005 हो जाएगा, काफी लोगों ने आंसर भी दिया है और बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, जिन्होंने ऑप्शन बी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश शैली का है, अपभ्रंश शैली का है ठीक है, अपभ्रंश शैली का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो आपका अपभ्रंश शैली का है। अपभ्रंश शैली को आपको पता है गुजराती शैली भी कहते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली भी कहते हैं, जैन शैली भी कहते हैं, और अपभ्रंश शैली तो कहते ही कहते हैं ठीक है। चलिए ओके, मजा आ रहा पढ़ने में कि नहीं, बोर तो नहीं होने लगे, ओके चलिए बताइए, इंटरेस्ट आ रहा है तो अपभ्रंश शैली का क्या क्या कौन सा है, तो गीत गोविंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश शैली का है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, काफी अलग अलग क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हो गया, ठीक है। चलिए अपभ्रंश शैली को मैंने आपको बताया कि अपभ्रंश शैली को क्या है गुजराती शैली भी कहते हैं, अब अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली किसने कहा, अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली किसने कहा, तो एन सी मेहता ने इसे क्या कहा, गुजराती शैली कहा, ठीक है, गुजरात मतलब इसका मुख्य केंद्र है इस वजह से गुजराती शैली कहा, जिसने एन सी मेहता ने कहा। पश्चिमी भारतीय शैली, पश्चिमी
भारतीय यानी कि भारत के पश्चिम क्षेत्र में थी, अब गुजरात आपका कहाँ, पश्चिम क्षेत्र में ही तो है, ठीक है। तो इसको किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी और लामा तारानाथ, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, ए के स्वामी, ए के स्वामी, ठीक है, और लामा तारानाथ, तारा नाथ शॉर्ट में मिली गुरु, ठीक है। तो पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने और लामा तारानाथ ने, इसे क्या कहा, पश्चिमी भारतीय शैली का। आप मुझे फटाफट बताएंगे जैन शैली, जैन शैली जो नाम है वो किसने दिया। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसको क्या कहना पसंद किया, क्या कहना, जैन शैली पसंद किया, क्योंकि यहाँ पर विद्वान, सही लिखा है, नहीं सही लिखा, ठीक है ठीक है। तो बहुत से ऐसे यहाँ पर विद्वान थे जिन्होंने क्या, यानी कि जैन धर्म से ज्यादा यहाँ पर चित्र मिलते हैं, जैन धर्म विषय से चित्र यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या है, जैन शैली नाम देना ज्यादा यहाँ पर सुटेबल किया गया, ठीक है। और अभ्रंश शैली क्या है, तो अभ्रंश शैली किसने कहा, तो राय कृष्णदास ने कहा, इसका नाम और कुछ नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, राय कृष्णदास ने कहा, बल्कि इसका नाम कुछ और ना होकर के बल्कि क्या होना चाहिए, अभ्रंश शैली होनी चाहिए। अब अभ्रंश शैली क्या मतलब, यानी कि जो गिरावट वाली जो शैली है उसको बोलते हैं अभ्रंश, यानी कि जिसमें क्या बहुत लय सब चीजें नहीं थी, जो आपकी आकृतियां थोड़ी सी कोड़ वाली आकृतियां थी, ठीक है, जो आपकी जो रेखाएं थी वो कठोर रेखाएं थी, तो इसकी आपके जो गिरावट जो चिन्ह है आप किसमें देख सकते हैं, जो आपकी एलोरा गुफा और दूसरी आपकी जो शीतलवासल गुफा है, ठीक है, और इसके अलावा तिरुमलाई, इनमें आपको क्या है, आपको अभ्रंश की गिरावट वाली चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बताइए इतनी चीज हो गई क्लियर कि नहीं हो गई, अगर ना क्लियर हो तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, अगर ये चीजें क्लियर ना हुई हो तो मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ। चलिए बताएंगे, ओके, जिस मर्तबान पर पंचतंत्री कहानी धूर्त लोमड़ी, धूर्त लोमड़ी, ठीक है, धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है, वह कहाँ मिलता है, बताएंगे कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, धूर्त लोमड़ी का चित्र आपको कहाँ से मिलता है, क्या बात है, किसके नाम पूछा है आपने, संतोष कुमार, किसके नाम पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट, दो हजार पांच में एक लड़की है, क्वेश्चन नंबर बताइए, अनसहमत क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए। चलिए, जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई वह कहाँ मिलती है, तो वह आपका हो जाएगा कहाँ पर, लोथल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लोथल आपका कहाँ का क्षेत्र है, फटाफट आंसर करेंगे, लोथल आपका कहाँ का क्षेत्र है, लोथल आपका कहाँ का क्षेत्र है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जी एन टैगोर द्वारा निर्मित, जी एन टैगोर कौन, ठीक है, जी एन टैगोर कौन, ठीक है, जी एन टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस, ये आपका डांस, ठीक है, बाल रूम डांस पेंटिंग किस संग्रहालय में है, तो किस संग्रहालय में है, अच्छा जी, एके पढ़ लिया मैंने आपको कमेंट, हाँ भाई पूनम चौरसिया फिर से क्लास चल रही, बिल्कुल फिर से क्लास चल रही है, बहुत देर में आई, हाँ बहुत दिनों बाद मैं लाइव हूँ, एक मंथ के बाद मैं आपकी लाइव हूँ, और फिर भी इसके बाद इतने दिनों के बाद होने के बावजूद भी इतनी टेक्निकल इश्यू आई कि मेरा मूड ही ऑफ हो गया, इतने अच्छे से मैंने आपको सारी 100 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए थे, और बताइए, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, आपका लोथल कहाँ पड़ेगा, आपका गुजरात में पड़ेगा, जयंती कुमारी बिल्कुल, दीप स्टडी पॉइंट आपका भी आंसर सही है, नेहा सिंह बिल्कुल आपका भी आंसर सही है। तो जी एन टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो ये आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ, तो ये क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये क्या है आपका संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर
यूनान की कलाकृति यथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? यूनान की जो आपकी कलाकृति है कौन सी रथवाहक ये आपकी किस काल में बनाई गई है? तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी 470 ईसा पूर्व यहाँ पर हो जाएगा, 470 ईसा पूर्व हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल राखी सिंह, बहुत दिन बाद देखा, ओके बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लास करते हैं, ठीक है क्लास करते हैं। आज मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा आज के दिन क्लास आपकी स्टार्ट की जाए, क्योंकि वैसे भी आपका लॉस मैंने बहुत कर दिया, काफ़ी दिनों कर दिया, इसी वजह से मैंने आप सोचा कि आप लोग से थोड़ा सॉरी बोलने के उससे मैंने सोचा चलिए 100 क्वेश्चन की सीरीज में आपको करा दूंगी, तो थोड़ा सा आपको गुस्सा शायद थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, और अब जाहिर सी बात ऑनलाइन तो मैं अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकती कि किस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ ऐसी रीज़न था। हाँ वो रीज़न शादी नहीं था, कुछ स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते मैम आपकी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं वो शादी नहीं हुई थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। और चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर क्या मैं बताऊँ आपको। हाँ लेकिन आप लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे मेल भी किया, बहुत अच्छा लगा। चलिए क्लास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर, अच्छा इसका आंसर देखिए कौन सही देता है, 22 का इसका आंसर मैं आपको देखती हूँ। तो यस यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? चित्रकार का कार्य क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? बताएंगे चित्रकार का जो कार्य क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं, अंतराल, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतराल। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। समरांगा सूत्रधार में भूमि बंधन बोलते हैं, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बन सकता है ये वाला आपका। अभिलाषितार्थ चिंतामणि इसमें क्या क्या बोलते हैं? स्थान निरूपण बोलते हैं इसको, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसको क्या बोलते हैं? स्थान बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर एक चित्रकार अपना चित्र बनाता है, चित्रकार का जो कार्य क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं ये पूछा गया। तो चित्रकार का जो कार्य क्षेत्र है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इसको अलग अलग नाम से यहाँ पर पुकारा गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखेंगे जो जो चीज़ें बन सकती मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसके अलावा आपका ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? अंतराल, अंतराल, ठीक है, हो गया ना? यस बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छपाई का प्रथम आविष्कार 1868 ईस्वी के लगभग चीन में। अब आपको पता है कि जो छपाई है, छपाई की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? चाइना से हुई थी, ठीक है। और चाइना में जो लकड़ी के जो ब्लॉक्स थे, यानी कि लकड़ी के जो गुटके कह सकते हैं एक तरीके से, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो लकड़ी के गुटकों से छपाई की जाती थी, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि छापा कला यानी कि छपाई की जो शुरुआत वो कहाँ से हुई थी? तो आपको चाइना से याद रखना है, ठीक है। कैसे होती थी? तो यहाँ पर आपकी होती लकड़ी के गुटके से होती। आर के सिंह थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? तो कब यहाँ पर पूछा गया, किसमें? तो यस हर एक सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, हर एक सूत्र याद रखेंगे, ओके। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? याद रखेंगे पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। तो ये आप अंग्रेजों के द्वारा ना होकर के पुर्तगाली यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की? ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई, ये आपकी क्या हो गई? स्थापना हो गई, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? फटाफट आंसर करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। और जर्मनी में किसने की थी? तो गुटेनबर्ग ने की थी। कब की थी? तो 1450 में, ठीक है। तो 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में। भारत में अगर पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो आप याद है कि 1556 में पुर्तगाली ने की थी। और कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी, ठीक है। ये हो गया।
खोज किसने की थी, तो खोज के लिए आप याद रखेंगे गुटेनबर्ग को, कहाँ हुई थी, तो आपको किसको याद रखना है, जर्मनी को याद रखना है, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट। क्या बात है, ठीक है, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, चलिए अगर समझ में आ गया थम्स अप दीजिए फटाफट, चीजें अगर समझ में आई तो प्लीज यहाँ पर आप मुझे कंफर्म करिए कि आपको चीजें समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्रे फिटो का आविष्कार कब हुआ, सिग्रे फिटो का आविष्कार कब हुआ, तो फिलहाल तो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, अब इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। ओके क्या उल्टा मैं बता गई, सही तो बताया मैंने, ये यहाँ पर खोज हुई थी, खोज जाहिर सी बात सबसे पहले खोज होगी तभी तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होगी, 1450 में इसकी खोज हुई थी, मैंने आपको बताया कहाँ हुई थी, तो मैंने आपको जर्मनी बताया, किसने की थी, गुटेनबर्ग ने की थी। फिर ये क्वेश्चन आपका भारत का है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में हुई थी, किसके जरिए हुई थी, पुर्तगालियों के जरिए हुई थी, पुर्तगालियों ने की थी, कहाँ हुई थी, तो गोवा में हुई थी। ओके चलिए नेक्स्ट पे, सिग्रे फिटो, हाँ 13वीं शताब्दी यूरोप, बिल्कुल यहाँ पर आंसर किसने किया है, पूजा सिंह ने सबसे पहले आंसर किया, पूजा सिंह एंड पूनम चौरसिया दोनों का आंसर यहाँ पर परफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाए, यानी कि भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का जो है प्रभाव कब से माना जाता है, अजंता शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, या बंगाल शैली से, तो छाया प्रकाश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी शैली यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनी शैली यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है कंपनी शैली। ओके अब मुझे बताइए, जो कंपनी शैली में जो चित्र मिले हैं वो आपके दो तरीके से चित्र मिले हैं, उनकी माप आप मुझे फटाफट बताइए, उनकी माप छोटे चित्रों की माप क्या है और बड़े चित्रों की माप क्या है, फटाफट आप मुझे बताएंगे। प्रमुख माध्यम क्या रहता है, तो प्रमुख माध्यम इसका रहता है जल रहता है, जल रंग इसका क्या हो जाता है, प्रमुख माध्यम हो जाता है। पहले इसके जो चित्रकार थे यानी कि कंपनी शैली के पहले जो चित्रकार अगर पूछा जाए तो सेवक राम हो जाएंगे, सेवक हो जाएंगे, और आखिरी चित्रकार अगर पूछा जाए आपसे, आखिरी चित्रकार पूछा जाए तो आपके कौन हो जाए, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है ईश्वरी प्रसाद इसके क्या है, आखिरी चित्रकार हो जाएंगे। इज इट क्लियर, पहले इतनी भी चीज बताइए। एक तो क्लास मैंने आपकी लगभग 3 बजे वाली स्टार्ट की थी, ठीक है, और कनेक्शन कटने की वजह से वो आपकी हो गई, कट करनी पड़ी, तो अब मैं बहुत देर से बैठी हूँ, तो मुझे चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाता है, तो आपका कंपनी शैली तो हो गया, मैंने आपसे ये पूछा था कि माप पूछी थी, हाँ माप पूछी थी, आंसर आ गया है, हाँ 8x6, बिल्कुल आरो गोस्वामी, छोटे चित्रों की माप 8x6 हो जाएगी और बड़े चित्रों की माप कितनी हो जाएगी, 22x16 हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, अनन्या, पोली सिंह, राजकुमार, सुचिता, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल, यह बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, ऐसे जम के करते रहेंगे। ओके कांदिस्की का जन्म, कैंडिस्की, कांदिस्की कुछ भी लिखा मिले समझ जाइएगा, कांदिस्की का जन्म 1886 में कहाँ हुआ था, कांदिस्की का जन्म 1886 में तो हुआ लेकिन कहाँ हुआ था, हाँ ईश्वरी प्रसाद आपके आखिरी, बिल्कुल किरण यादव, कांडिस्की का जन्म हुआ था स्पेन में हुआ था, ठीक है कांडिस्की का जन्म आपका कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था, स्पेन में हुआ था, स्पेन, ठीक है। क्लास कब शुरू हुई, निकिता देर में आई आप, क्लास तो कब की शुरू हो गई, दोबारा से शुरू की थी। ओके ओके कांदिस्की और प्रेजमार्क, ठीक है एक संस्था की स्थापना की थी, बताएंगे आप लोग, तो एक इन्होंने कांदिस्की और प्रेजमार्क, एक इन्होंने संस्था की स्थापना की थी, ब्लू राइडर, ब्लू राइडर, ब्लू राइडर संस्था की स्थापना की थी, किसने की थी, कांदिस्की और प्रेजमार्क ने की थी,
कांदिस्की का एक जो चित्र है, कांदिस्की का एक चित्र है कौन सा, नीला घुड़सवार यानी कि ब्लू राइडर का चित्र है, इसी के नाम पर इसका नाम क्या डाला था, ब्लू राइडर संस्था। ठीक है, तो ब्लू राइडर संस्था की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो आप याद है कांदिस्की को, कांदिस्की और इसके अलावा फ्रेजमार्क, दोनों को आप यहाँ पर याद रखें, फ्रेजमार्क तो दोनों को आप यहाँ पर याद रखें, इसकी स्थापना की थी ब्लू राइडर की 1911 में की थी। ठीक है, और जो कांदिस्की का जो चित्र है ब्लू राइडर, उसी के नाम पर इसका क्या है, इस संस्था का नाम डाला था। ठीक है, समझ में बात आई। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं क्लास तो निकिता जब क्लास तो आज भी आपकी शुरू हो गई थी, वो बता रही हूँ, आई थिंक आप चली गई होंगी, आपको पता नहीं चला, काफी यहाँ पर दिक्कतें आ गई थी। प्रसिद्ध बताएंगे, प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के लिए ऊपर, किस कलाकार के ऊपर 1975 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, सतीश गुजराल हो जाएंगे, राम किंकर बैज हो जाएंगे, या इसके अलावा तैयब मेहता हो जाएंगे। तो राम किंकर बैज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म का कौन, ऋत्विक घटक ने किस कलाकार, तो ऋत्विक घटक ने क्या है एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ठीक है, किस चित्रकार पे, तो राम किंकर बैज पे बनाई थी। ठीक है, राम किंकर बैज की अगर बात करें तो ये कहाँ के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ के, आपके कहाँ के, बंगाल के हैं। कहाँ के हैं, बंगाल के। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1906 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1906 में बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्या है, मुख्य रूप से क्या है, आपके मूर्तिकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में फेमस है। कौन, राम किंकर बैज आपके मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में फेमस है। इनके गुरु का नाम फटाफट बताएंगे, इनके गुरु का नाम फटाफट आंसर करेंगे आप लोग, क्या है इनकी, क्या है प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी, तो प्रथम प्रदर्शनी इनकी लगी थी नई दिल्ली में। इनकी क्या है प्रथम प्रदर्शनी लगी थी, कब लगी थी, तो 1942 में इनकी क्या है प्रथम प्रदर्शनी नई दिल्ली में लगी थी। ठीक है, इनके गुरु मैंने आपसे पूछा, इनकी एक क्या है शिल्पकृति जो है संथाल परिवार, जो आपकी बहुत फेमस है, पूछा जाए संथाल परिवार जो आपकी मूर्ति शिल्प है परिवार, वो आपकी किसकी है, तो राम किंकर बैज की है। ये आपकी कहाँ संग्रहित है, तो ये आपकी शांति निकेतन कला परिसर में ये क्या है संग्रहित है, कौन, संथाल परिवार। ठीक है, तो मैंने गुरु पूछा, गुरु किसी ने आंसर किया कि नहीं किया, हाँ बिल्कुल 1906, गुरु किसी ने नहीं बताया अभी तक, राम किंकर बैज के गुरु, हाँ बिल्कुल, ये मुख्य रूप से क्या है मूर्तिकार के रूप में फेमस है। चलिए आप ही लोग बताएंगे, वेट कर रही हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाए कि एचिंग में कॉपर प्लेट में कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं, जो आपकी एचिंग होती है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका किससे, ग्राफिक आर्ट से है, ये आपको क्वेश्चन किससे, ग्राफिक आर्ट से है, यानी कि एचिंग यानी कि अम्लांकन की यहाँ पर बात हो रही। तो एचिंग में कॉपर प्लेट में कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कितने, लगभग 1000। ठीक है, लगभग आपके 1000 प्रिंट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो आंसर आया है, ओके ओके ओके, आनंद कुमार है, मणिक चंद बिंद बिंद आई थिंक नेम, तो फिर है यश पटेल, ऋतुपाल, बिल्कुल आपका आंसर सही है। जो आपके कौन मूर्तिकार, कौन से मूर्तिकार की बात हो रही है, राम किंकर बैज की। राम किंकर बैज जो है उनके गुरु जो है वो नंदलाल बोस है, और नंदलाल बोस के गुरु कौन हो जाएंगे, अवनीनाथ हो जाएंगे। इज इट क्लियर, ओके ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, यानी कि ये जो चित्रकार हैं ये क्या किसी एक शैली को टारगेट ना करके ये क्या है अपने मन से बना दी, मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है। ठीक है, और ये एक ऐसे चित्रकार है जो किसके हैं, घनवाद के चित्रकार है। मैंने देखिए आपको ऑप्शन दे दिया, ये कौन है, घनवाद के चित्रकार है, और इन्होंने कहा है मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, ये कथन किसका है, तो बिल्कुल यहाँ पर पिकासो का हो जाएगा। घनवाद के यहाँ पर आपको पता है घन, पिकासो और ब्राक दो लोगों को आपको याद रखना है, घनवाद के प्रवर्तक के रूप में आपको पिकासो और ब्राक दोनों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा भाई, ऑप्शन बी 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 बी, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने की, बेल्लारी शैल चित्र, शैल मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने की, तो बेल्लारी शैल चित्रों की खोज बताएंगे किसने की, तो बिल्कुल एफ फॉसेट ने बेल्लारी शैल चित्रों की यहाँ पर खोज की। तो बेल्लारी में जो आपके शैल चित्र मिले हैं उनकी खोज का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, एफ फॉसेट को जाता है। और एफ फॉसेट ने इन चित्रों की खोज कब की थी ये भी आप मुझे बताएंगे, तो 1901
ठीक है, 1901 में एफ फॉसेट ने खोजी थी। फटाफट आंसर करेंगे। ओके, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे मनोरंजन घोष ने किसकी जो है क्या कहते हैं किसकी खोज की, और फिर दूसरा ऑप्शन क्या है वी एस वाकरकर, इनको भी आप बताएंगे किसकी खोज की। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एफ फॉसेट यहाँ पर हो गया, तो 1901 को 1901 में जो बायनाड के एडिकल गुफा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो भी क्या एफ फॉसेट को दिया, एफ कहाँ गया लिख क्यों नहीं रहा, एफ फॉसेट को। ठीक है ठीक है, तो किसको यहाँ पर याद रखें, क्या चीज मैंने आपको बताई, बायनाड एडिकल, बाइनाड एडिकल, ठीक है, बाइनाड एडिकल की जो गुफा को प्रवेश प्रकाश में लाने का, बाइनाड एडिकल की गुफा को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है एफ फॉसेट को दिया जाता है, कब, ये हो आपका हो जाएगा 1901 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके चलिए, इसके अलावा मैंने क्वेश्चन आपसे कौन कौन से पूछे हैं, देखिए इसके अलावा आप याद रखिए एफ फॉसेट मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मनोरंजन घोष की बात करें तो इन्होंने क्या होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद के चित्रों को खोजा, किसने, मनोरंजन घोष ने, कब खोजा था, तो 1922 में यहाँ पर हो जाएगा। वी एस वाकरकर की अगर बात करें तो इन्होंने क्या है, भीम बेटका आपका कहाँ पड़ेगा, भीम बेटका जो गुफा चित्र इसको खोजा, कब खोजा, तो 1958 और 59, ठीक है, 1958 और 59 में आपको यहाँ पर याद रखना है। स्टुअर्ट पिकार्ड की मैंने आपको एक पुस्तक बताई थी, स्टुअर्ट पिकार्ड की कौन, प्री हिस्टोरिक इंडिया, इनकी आपको मैंने बताया प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी है, ये आपकी हो जाएगी पिगार्ट की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, एक मिनट रुकिए, हाँ सही हो गया, ये किसकी हो जाएगी, पिगार्ट, और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बार्ड्रिक, ठीक है, चलिए चल गया, सही है, ओके। ओके चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था, किसने कराया था, अच्छा निर्माता तो लिखा तो है, ठीक है, जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माता कौन है, यानी कि इसका निर्माण किसने कराया, तो इब्राहिम शाह शर्की यहाँ पर राइट हो जाएगा, इब्राहिम शाह शर्की ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इब्राहिम शाह शर्की ने इसका निर्माण 1408 में कराया था, ठीक है, हालांकि जो इसकी शुरुआत है वो किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो शुरुआत अगर पूछा जाए शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है, और इसको मतलब बनवाया किसने, तो आपको याद रखना है किसने, फिरोज शाह तुगलक ने पूरा कराया, यानी कि बनाया, तो वो सॉरी क्या मैं बोल गई, शुरुआत जो की थी किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है, अगर वैसे आपसे पूछा जाए जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था, तो आपको याद रखना इब्राहिम शाह शर्की, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही बनता है जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया, ठीक है, समझ में आता है, इब्राहिम शाह शर्की यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने शिक्षा प्राप्त की, नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, किस राज्य में पड़ेगा, तो हुएंगसोंग हो जाएगा, पहायान, मेगस्थनीज या मार्को पोलो। तो आपको पता नालंदा जो विश्वविद्यालय में जो किसने शिक्षा प्राप्त की थी, तो आपके हो जाएंगे हुएंगसोंग, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हुएंगसोंग आपके कहाँ के हैं, तो आपको पता है चीन के हैं, चीन के यात्री हैं, ठीक है, जो भारत में आए थे, और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या है शिक्षा भी प्राप्त की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए आपके सामने दरगाह एक दे रखी है, इस दरगाह का नाम बताया कौन है, तो शेख सलीम चिश्ती की ये दरगाह है, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की। आपको पता है जहांगीर का नाम जो सलीम पड़ा था वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। कहा जाता है कि अकबर और अकबर की बेगम जोधा दोनों ही क्या है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाती है, वहां पर मन्नत मानती है, मन्नत इनकी दुआ करती है कि उनकी कोई औलाद हो, तो इस वजह से कहा जाता है कि सलीम यानी कि जहांगीर यानी कि जिनको हम कह सकते हैं बचपन में नाम तो आपको पता है सलीम ही था, तो सलीम का क्या है जन्म होता है, इसी वजह से क्या है इनका नाम क्या है सलीम रखा गया, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती आपको दरगाह यहाँ पर दिख गई, फिलहाल बताएंगे आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी यहाँ पर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी आपका कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है आगरा से ही कुछ दूर पर पड़ता है आगरा, तो कहाँ पड़ेगा आपका आगरा से, ठीक है, आगरा आगरा जिले से क्या है 35 किलोमीटर की दूरी पे आपका फतेहपुर सीकरी यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये आपका किस तरफ है, तो आपको पता है बुलंद दरवाजा जो है आपका उसी की तरफ ये मुंह करके आपकी ये क्या है शेख सलीम चिश्ती की क्या है दरगाह है। ओके क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कॉमेंट देख लेती मैं। ममता, साधना, रेणु, सैनी, दीपक, प्रजापति, यस बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन भैया डी नहीं होगा, नहीं होगा डी नहीं होगा, क्यों दुखी कर रहे हो, डी होगा, सी नहीं होगा, सी बता रहे कुछ लोग, डी नहीं होगा, नहीं डी होगा, ठीक है चलिए डी होगा भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं किस पे, 33 पे, आप आंसर दे रहे हो 32 का, बताओ अध है खत्म। अच्छा वॉइस क्लियर आ रही है, किसी ने बोला नहीं वॉइस को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट तुझके जहांगीरी का रचनाकार कौन है, तो आपको पता तुझके जहांगीरी के रचनाकार जहांगीर है, क्यों, क्योंकि जहांगीर खुद पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है, तो तुझके जहांगीरी के जो रचनाकार है वो आपके क्या है जहांगीर ही है, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है ये तुझके जहांगीरी जो है, किस भाषा में लिखी है, तो ये आपके फारसी भाषा में, किस भाषा में, फारसी भाषा में क्या है लिखी गई है, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई है। इज इट क्लियर, जहांगीर किसके बेटे हैं, तो जहांगीर आपके बेटे हो जाएंगे अकबर के। जहांगीर का ही बचपन का नाम था सलीम, जो मैंने अभी बताया शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे गए थे अकबर और उनकी जो माता जोधा गई थी मन्नत मांगी थी, तो कहा जाता सलीम रखा गया, ठीक है। जहांगीर के बेटे का नाम क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे, जहांगीर के बेटे का नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आ जाएंगे, बाबर आ जाएंगे, फिर आपके हुमायूं आएंगे, फिर आपके अकबर आएंगे, फिर आपके कौन आ जाएंगे, जहांगीर आएंगे, इसके अलावा फिर आपके आ जाएंगे शाहजहां आ जाएंगे, फिर आपके आएंगे औरंगजेब आएंगे, ठीक है, ठीक है, इतने याद रखेंगे, ठीक है, हो गए ना, छह हो गए, ठीक है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये आपको छह जो पूर्व जो मुगल काल है वो आपको याद रखना है, ठीक है, उनके आपको छह जो है शासक अच्छे से याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का, पाइप पीने वाला लड़का जो है वो क्या है, कितने मूल्य में बिकी, तो ये बिकी थी आपकी 104.5 मिलियन डॉलर में बिकी थी, ठीक है, देखिए कितनी महंगी पेंटिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ललित कला अकादमी ने वर्ष 2013 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दिल्ली के चित्रकार मनोज कुमार मोहती, मनोज कुमार मोहती के किस चित्र को चुना था, तो कौन सा हो जाएगा, तो डस्ट क्लीनर, ठीक है, डस्ट क्लीनर यानी कि ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है उसी चीज में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी, हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हमारा है फ्रिडा कोहली किस देश से संबंधित कलाकार है, तो फ्रिडा कोहली जो है वो आपकी किस देश से संबंधित कलाकार है, तो बिल्कुल आपकी ये क्या है मैक्सिकन की है, मैक्सिकन ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 37 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार हैं। द प्रसिद्ध चित्र येलो चेयर्स के चित्रकार यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? तो टाइम आपका हो चुका है 5:37 हो चुका है। तो आज देखते हुए कितने क्वेश्चन कराऊंगी आपको, क्योंकि क्योंकि आपको पता नहीं क्लास 3 बजे शुरू करने को मैंने कहा था, तो टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा फिर से कट करनी पड़ी, फिर से जानी पड़ी। और इस बीच आपका टाइम होता, आपका नहीं मतलब मेरा टाइम होता, असर का टाइम होता, जो असर की नमाज का टाइम होता है, और मैं नमाज नहीं छोड़ती हूँ ठीक है फिलहाल। तो इस वजह से आपकी 50 क्वेश्चन मैं करा दूंगी, और 50 क्वेश्चन आपके मैं कल कराऊंगी ठीक है। तो फिलहाल तो आपकी 38 पे ही है। चलिए चलिए क्वेश्चन बताइए। प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार, मैंने आज सोचा था आपको 100 क्वेश्चन पूरे ही कराऊंगी, लेकिन अगर मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश की तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे। प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार हैं, तो येलो चेयर्स किसके चित्रकार हो जाएंगे? तो आपके बिल्कुल वॉन गॉग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वॉन गॉग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। सेजान आपको पता है किसके हो जाएंगे? तो सेजान आपके उत्तर प्रभावाद के चित्रकार हो जाएंगे ठीक, उत्तर प्रभावाद के चित्रकार हो जाएंगे। माने आपको मैंने बताया था कौन? प्रभाववाद और यथार्थवाद के बीच की कड़ी माने जाते हैं ठीक है। माने आपको क्या है? यथार्थवाद, और क्या है? यथार्थवाद और आपके प्रभाववाद बीच की कड़ी माने जाते हैं। पिकासो आपको पता है घनवाद के हैं ठीक है, पिकासो आपको पता है ये क्या है? घनवाद के हैं। फिलहाल आंसर आपको ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट में बिल्कुल आपका नहीं करूंगी ठीक है। टाइम वेस्ट में बिल्कुल नहीं करूंगी। जो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आपके कमेंट आ रहे हैं बस उन्हीं को मैं देख रही हूँ, इसके अलावा कमेंट देखने का कोई मतलब नहीं बनता है क्लास के दौरान। चलिए, पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार माना गया? पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार माना गया है? तो समूह संयोजन का आचार किसे माना गया है? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ऑप्शन सामने दिए, माइकल एंजिलो, माइकल एंजिलो को क्या है? समूह संयोजन का आचार्य माना गया है। माइकल एंजिलो कहाँ के थे? तो आपको पता है ये कहाँ के हो जाएंगे? इटली के ठीक है, इटली के। और माइकल एंजिलो के गुरु का नाम क्या है? माइकल एंजिलो के गुरु का नाम क्या है? तो घिरलैंडियो, घिरलैंडियो। पूछा जाए इनके गुरु का नाम तो आप क्या बताएंगे? घिरलैंडियो बताएंगे ठीक है। माइकल एंजिलो क्या है? मूर्तिकार, चित्रकार, भित्ति चित्रकार, वास्तुकार, इन सभी रूप में फेमस हैं। तो मूर्तिकार, चित्रकार, भित्ति चित्रकार ठीक, वास्तुकार, इन सभी रूप में ये क्या है? फेमस है। क्या चीज? पिकासो का आपने गलत दिखाया। संतोष कुमार कौन सा क्वेश्चन का आंसर कह रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? पिकासो घनवाद मैंने आपको बताया, क्या बताया? पिकासो आपके घनवाद, 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 और क्या कहते हैं, पिकासो ब्राक, दो आपके क्या है? घनवाद के हैं। क्या बात है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? फटाफट आंसर करें, देखिए आंसर करें तो इसी टाइम आपका क्लियर हो जाएगा। इज इट एनी डाउट? भाई पूछे, जल्दी से पूछे, कॉमेंट नहीं आ रहा अब तो। आंसर आपका ये वाला है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किसकी दरगाह है? तो बहुत फेमस है दरगाह, कौन सी फेमस है अजमेर में? दरगाह कौन सी है? 35 का आंसर फिर से, 35 का सही तो बताया मैंने। एक मिनट, सही 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 सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। इसका हो जाए पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने रुपए में बिकी? तो ये 104 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लाइव क्लास लेने का यही अच्छा रहता है कि मतलब उसी टाइम अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन में आंसर गलत टिक हो गया तो वो फटाफट हो जाता है। अगर यही अपलोडेड क्लास होती है तो फिर क्लास के दौरान में बोल जाती है, उसके बाद नहीं हो पाता ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगाइए और बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सही 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 ठीक, मैंने गलत कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बताने के लिए। हाँ, ऐसे ही बीच में रोक दिया करिए,
जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट लगे, या कभी कभी ऐसा होता है बोल कुछ और रही होती, लिख कुछ और देती हूँ, टिक कहीं और कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, अरे अंसारी अजान तो हो गई। हाँ अजान तो हो गई होगी, लेकिन टाइम तो आपको पता है अभी रहेगा ना, तो फटाफट मैं 10 क्वेश्चन और आपको करा देती हूँ। विनायक पांडुरंग कर्माकर, ठीक है, कर्मकार भी कहीं लिखा मिलता है आपको और कर्माकर भी लिखा मिलता है, ठीक है, तो इस पे आप मत जाइएगा। तो विनायक पांडुरंग जो कर्माकर हैं, जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष नवाजा था, पद्मश्री से इनको किस वर्ष नवाजा गया, फटाफट आंसर करेंगे तो 1964 में इनको नवाजा गया। 1964 यानी कि 1964 में इनको नवाजा गया। ये कहाँ के हैं तो ये आप ये याद रखेंगे, ये मुंबई के हैं, ठीक, कहाँ के हैं, मुंबई के हैं। इनका जन्म कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 1891 में इनका क्या है, जन्म हुआ था, ठीक है। तो विनायक पांडुरंग जो कर्माकर हैं वो क्या हैं आपके, कहाँ के हैं, क्या कहते हैं, मुंबई के हैं। 1891 में इनको जो है इनका जन्म होता है, कहाँ होता है, मुंबई में ही इनका जन्म होता है। और मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु भी मुंबई में ही होती है। और इनको क्या पद्मश्री से कब नवाजा गया था, तो पद्मश्री से 1964 में इनको क्या है नवाजा गया था। इज इट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कला संवाद नामक जर्नल पत्रिका, कला संवाद नामक जर्नल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से ये क्या है आपकी प्रकाशित होती है। इसमें भाई क्या हो रहा है, किसमें आप पूछ रहे हो। हाँ कमेंट देर से शो हो रहा है, सही बात सही बात। अरे अंसारी कमेंट देर से शो हो रहा है, मैं जब पूछती हूँ आंसर आपको बहुत देर में आता है। आपने गलत लगाया था। खुशी शर्मा बताइए क्या प्रॉब्लम है, फटाफट आंसर करें। हाँ वेट कर लीजिए, कौन सा आंसर गलत टिक हो गया, फटाफट बताएं, लिखिए मैं रुकी हूँ। आप लोग जब भी बताया करिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर भी बता दीजिए, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है ना, तो क्वेश्चन नंबर पर लिखा करिए। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन लेती हूँ ना, तो वो आगे आगे क्लास चली जाती है, बाद में आपके मतलब क्या कहते हैं 30 सेकंड बाद आपके कॉमेंट आ पाते हैं। 1964 वाला 1964 में, रुकिए रुकिए, सही तो लगाया है 1964, यही वाला तो लगाया है 41 में, 41 तो अभी कराया ही नहीं है। 40 का डी ही तो है, पहले हो सकता है गलत लगा दिया हो। देखिए रुकिए रुकिए, ये वाला आपका है, अब बताइए, ठीक है। हाँ रीडम करनवार, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है प्रॉब्लम आज हुई है, नेक्स्ट टाइम कोशिश तो यही मेरी तरफ से रहेगी ना प्रॉब्लम हो। अब वही चीज़ है ना, टेक्निकल जो इश्यू होते हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अब एकदम से माइक ने काम करना बंद कर दिया, वही माइक आपका चल रहा है, काम चल रहा है, और वही माइक बंद हो गया था, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके डियर, हाँ किस कलाकार ने कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की थी, बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे, कौन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, किस कलाकार ने कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की थी, तो बिल्कुल आपको आंसर याद रखना है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे, ललित मोहन सेन, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आंसर, ललित मोहन सेन। हाँ तो बताएंगे ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ललित मोहन सेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ललित मोहन सेन के बाद कुछ और चीजें भी देख लें, तो ललित मोहन सेन आपके कहाँ के हैं, ये पश्चिम बंगाल के, कहाँ के हैं ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ था, तो 1898, ठीक है,
1898 में इनका क्या है जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1954 में क्या है इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी, 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्या है आपके चित्रकार के रूप में भी फेमस है, चित्रकार, इसके अलावा छापाकार, तो क्वेश्चन में ही आपका यहाँ पर ये ग्राफिक से रिलेटेड छापाकार, और इसके अलावा आपके मूर्तिकार, इन सभी रूपों में क्या है इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ललित मोहन सेन के बारे में मैंने इतनी चीज बताई कि ये आपके पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। ठीक है, 1898 में 1898 में 95, 96, 97, 98 सही बोला, 1898 में क्या है इनका जन्म होता है, और 1954 में क्या है इनकी मृत्यु होती है। चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, इन सभी रूपों में क्या है इन्होंने काम किया है। चलिए बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टिंग क्लोथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है। बोल्टिंग क्लोथ, जो बोल्टिंग जो क्लोथ, क्लोथ मतलब कपड़ा, क्लोथ, देखिए एक आपका ये होता है, ठीक है, चलिए बताएंगे। बोल्टिंग जो क्लोथ जो है, ठीक है, इसका प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में होता है, लिथोग्राफी, शिला मुद्रण में, अम्लांकन यानी कि एचिंग में, वुड कट कास्ट, कास्ट ब्लॉक में, ये ब्लॉक नहीं ब्लॉक, ठीक है, या है सिल्क स्क्रीन छपाई में। इनमें से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे, इनमें से किसका कौन सा होगा, तो सिल्क स्क्रीन छपाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिल्क स्क्रीन छपाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निकिता प्रजापति ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, पूनम से गलती से भी लग गया लेकिन भी है, किसका आंसर, पूनम चौरसिया, किसका आप बता रहे हो, पूनम चौरसिया बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताएंगे कौन सा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें। प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं, किसमें बनाए गए हैं, प्रागैतिहासिक चित्र, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर किया करिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर आप लोग किया करिए। 43 का, इनमें से कोई नहीं, सॉरी सॉरी, 44 का, 44 का क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृतिक शिलाश्रयों की खुरदरी दीवारों पे, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है, बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन ए दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, ताम्राश्म युग की पात्र कला के उदाहर किस स्थान पर उपलब्ध है। ताम्राश्म यानी कि ताम्र प्लस अश्म की बात हो रही है, पात्र कला के उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं। चनपुद्रो से हुए हैं, बनवाली से हुए हैं, नवदा तोली से हुए हैं, या आपके लोथल से हुए हैं, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर नवदा तोली यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग करेंगे, मयूर का अंकन कहाँ मिलता है, मयूर का जो अंकन है, मयूर का अंकन जो है वो आपका कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। होशंगाबाद में, पंचमढ़ी में, मिर्जापुर में, ये आपका हो जाएगा सोरहो घाट में, क्वेश्चन नंबर 46 का, तो होशंगाबाद हो जाएगा, ठीक है, पंचमढ़ी हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा, सोरहो घाट, कौन सा आपका आंसर राइट होगा, बिल्कुल यहाँ पर होशंगाबाद हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, होशंगाबाद। होशंगाबाद की खोज किसने की, फटाफट बताएंगे, होशंगाबाद की खोज किसने की, यहाँ से आपको एक क्या है जिराफ ग्रुप मिलता है, अभी मैंने आपको बताया भी था होशंगाबाद की खोज किसने की, यहाँ पर आपको क्या है जिराफ ग्रुप मिलता है जो आपका बहुत फेमस है। इसके अलावा छलांग लगाते हो, बारह सिंगा मिलता है, जो किस सिंगा, जो क्या है किस कलर का बना हुआ, ये आपका बना हुआ पीले कलर का बना हुआ है, चार धरुदारी मिलता है और पीला हाथी, यहाँ पर इतनी चीजें आपको चित्र, इतनी चित्र आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से बताया, एक तो आपको जिराफ ग्रुप याद रखना है, छलांग लगाते हुए बारह सिंगा याद रखना है, जो पीले कलर का बना हुआ, पीला हाथी और चार धनुधारी, तो ये आपको चित्र कहाँ से मिलते हैं, आपके होशंगाबाद से मिलते हैं। इज इट क्लियर, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर, महावीर चरित के रचनाकार कौन है, महावीर चरित के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे,
तो महावीर चरित के जो रचनाकार हैं आर्यभट्ट हो जाएंगे, ठीक है, वसुमित्र हो जाएंगे, ठीक है, भवभूत हो जाएंगे या वसुल्ला हो जाएंगे, वसुल्ला कौन हो जाएंगे, कौन यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा, जिसने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट है, 47 का आंसर मैंने पूछा था, 47 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप से रिलेटेड, ये जो आपका ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये ग्रुप, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ग्रुप आठ, ठीक है, ग्रुप आठ जिसकी स्थापना 1967 में, ग्रुप आठ की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी, इसका संबंध किससे है, तो सबसे पहले यही याद है ग्रुप आठ की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में, और ग्रुप सेवन की, ठीक है, ग्रुप सेवन की स्थापना जो है कब हुई थी, ग्रुप सेवन की, तो 1958 में क्या है, ग्रुप सेवन की स्थापना हुई, और ग्रुप एट की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी हुई थी 1967 में हुई थी, ठीक है। ये जो आपका ग्रुप आठ है वो आपका किससे संबंधित है, तो आपका बिल्कुल ये संबंधित है किससे, तो आपको याद रखें छापा कला से ये आपका संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपका जो ग्रुप आठ है वो किससे संबंधित है, छापा कला से ये आपका संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, छापा कला यानी कि ग्राफिक आर्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं, कल हमने 50 क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया कि आज आपके पूरे क्वेश्चन नहीं हो सकते क्योंकि मुझे अब देर हो रही है। क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे, क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे, इटली के, यूनान के, जर्मनी के या चीन के, क्रोचे आपके कहाँ के दार्शनिक थे, इटली के, यूनान के, जर्मनी के, चीन के, बिल्कुल गरिमा वर्मा मनोरंजन घोष ने की थी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपने दिया, बिल्कुल मनोरंजन घोष, प्रिया सिंह बिल्कुल आपका भी सही है। मैंने पूछा क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये आपके इटली के दार्शनिक हो जाएंगे, क्रोचे कहाँ के हो जाएंगे, इटली के आपके हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए पारितोष सेन के गुरु कौन थे, पारितोष सेन के गुरु कौन थे, फटाफट आंसर करेंगे पारितोष सेन के जो है गुरु कौन थे, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, इट इज योर लास्ट क्वेश्चन, सो आंसर शुड बी राइट। ओके, पीछे इतने क्यों चल रहे हैं, कमेंट इतने डिले क्यों आ रहे हैं, हैंग कर गया क्या, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल आपको याद रखना है जो क्या है, पारितोष सेन के गुरु कौन थे, तो पारितोष सेन के जो गुरु थे वो कौन थे, देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, दीपक प्रजापति का आंसर बिल्कुल यहाँ पर औसम है, ठीक है, तेज प्रताप सिंह औसम, ये अनिता सिंह वेरी गुड, बिल्कुल नंदलाल बोस हो जाएंगे, बिल्कुल नंदलाल बोस नहीं होंगे, शीशे कौन होंगे, अवनीना ठाकुर होंगे, कौन होंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी, पारितोष सेन के जो गुरु हैं वो, एक मिनट ही क्यों नहीं चल रहा, पारितोष सेन के जो गुरु हैं वो आपके देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देवी प्रसाद राय चौधरी की एक मूर्ति शिल्प जो है वो बहुत फेमस है, कौन सी आपकी, शहीद स्मारक, शहीद स्मारक, तो शहीद स्मारक जो है इनकी मूर्ति शिल्प है, शहीद स्मारक एक ही है ये स्मारक, ठीक है, ये आपकी जो मूर्ति शिल्प किसकी है, ये आपकी देवी प्रसाद राय चौधरी की है, कहाँ पर बनी हुई है, तो ये आपकी बनी हुई है पटना में, कहाँ पर है ये आपकी, पटना में है, और किस माध्यम में बनी हुई है, तो आपकी हो जाएगी कांसा, ये अभी कांसा माध्यम में हो जाएगी, आप देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति नहीं है, उन्होंने अपनी मूर्ति नहीं बनाई है, ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी आपको पता है मूर्तिकार के रूप में आपकी फेमस है, इनके गुरु आपको पता है कौन है, अवनीनाथ इनके गुरु हो जाएंगे, पारितोष से इनके गुरु कौन थे, तो देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, तो क्वेश्चन हम लोगों ने कितने कर लिए, 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए, कितने क्वेश्चन कर लिए आज हम लोगों ने, ठीक है,
50 क्वेश्चन कर लिए, आगे के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। क्लास आपकी पहले से शेड्यूल कर दी जाएगी, जिससे कि आपको टाइम यहाँ पर पता रहेगा कि कब आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो कल आपके क्वेश्चन 50 हो जाने के बाद आपके मैं आपको स्टार्ट करूंगी मंदिर जो स्थापत्य कला चल रही थी वो मैं आपको स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो क्लास को एंड किया जाए, बताएं क्लास को एंड किया जाए, ठीक है। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई, और कुछ कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर इस क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए पहले मैं देख लेती हूँ, कॉमेंट देख लेती हूँ। ओके चलिए यहाँ पर किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं है। चलिए इस क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।